नमस्कार। आज मंत्रिपरिषद में 19 एजेंडों पे स्वीकृति मिली है। यह पंचायती राज विभाग से संबंधित है, जिसमें पंचायत स्तर पर जो प्रतिनिधि हैं उनके मानदेय में बढ़ोतरी का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। पंचायत स्तर पर जो 6 प्रकार के प्रतिनिधि हैं पंचायत स्तर पर, पहले हैं ग्राम पंचायत मुखिया हैं, दूसरे ग्राम पंचायत उप मुखिया हैं, तीसरे हैं ग्राम पंचायत सदस्य हैं जिसको वार्ड सदस्य कहते हैं, चौथे हैं ग्राम कचहरी सरपंच हैं, पांचवा है ग्राम कचहरी उप सरपंच हैं, और छठे हैं ग्राम कचहरी सदस्य जिसको हम लोग पंच कहते हैं। ग्राम पंचायत मुखिया जो हैं इनका पूर्व में पहले मानदेय मासिक मानदेय है 2500 रुपये था, अब बढ़ाकर इसको 5000 कर दिया, दुगना कर दिया गया। ग्राम पंचायत उप मुखिया का मानदेय 1200 था, इसको बढ़ा के 2500 कर दिया गया। ग्राम पंचायत सदस्य इसका 500 था, इसको बढ़ा के 800 कर दिया गया है। ग्राम कचहरी सरपंच जो हैं ये 2500 थे, इनको बढ़ा के 5000 कर दिया गया है। और ग्राम कचहरी उप सरपंच हैं जिसको 1200 से बढ़ा के 2500 कर दिया गया है, और ग्राम कचहरी सदस्य हैं पंच हैं जिसको 500 से बढ़ा के 800 कर दिया गया है। तो यह बढ़ोतरी 6 पदों में की गई है। इधर भी दीजिए ना, तीनों आदमी उधर हैं आप लोग। मेरे भाई ये सब उसमें नहीं है, इसलिए जो बोल रहा हूँ ना उसका नोट कर लीजिए, ठीक है ना, उसमें नहीं है, हाँ, इसलिए मैं बार बार पूरा पढ़ रहा हूँ। देखिए ना, मैंने आपको केवल ये कहा है राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है वो पंचायत स्तरीय प्रतिनिधि के संबंध में ही लिया है, और 6 पंचायत प्रतिनिधि के संबंध में लिया है जिसको मैंने पढ़ दिया आपको। इसमें और किसी को कुछ पूछना हो? इसमें जो कुल व्यय होगा वो 3,39,38,85,600 रुपये मात्र होगा। अब संख्या भी मैं पढ़ देता हूँ, को उसमें नहीं है, कृपया नोट कर लें। ग्राम पंचायत मुखिया हैं 8,053 जो अब 5000 रुपये पाएंगे। ग्राम पंचायत उप मुखिया हैं 8,053 हैं जो अब 2500 रुपये पाएंगे। ग्राम पंचायत सदस्य वार्ड सदस्य हैं ये 1,01,268 हैं जो अब ये 800 रुपये पाएंगे। ग्राम कचहरी सरपंच जो हैं ये 8,053 हैं जो 5000 रुपये पाएंगे। ग्राम कचहरी उप सरपंच हैं जो अब 2500 रुपये पाएंगे, और ग्राम कचहरी सदस्य जो पंच हैं वो 1,01,268 हैं जो 800 रुपये पाएंगे। क्लियर हो गया? किसी को ये आंकड़े और चाहिए? हाँ,